मनाए गए आजादी के उत्सव का एक वीडियो सुपर वायरल हो रहा है। पानी के बीच खड़े होकर लोग झंडे को सलामी दे रहे हैं। जहां पर झंडा रोहण हो रहा है वहां पर कमर कमर तक पानी है, उसी में झंडे को सलामी देते हुए खड़े हैं बच्चे, उसी में खड़े हैं टीचर और उसमें स्थानीय। ये बलिया के शिवनगर स्कूल का वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के दूसरे हिस्सों में भी बाढ़ का प्रकोप है। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और फुलैत के कई इलाके जलमग्न है। 2 दर्जन से ज्यादा गाँव इस बाढ़ की चपेट में है। कुछ इलाके तो टापू जैसे दिखने लगे हैं। 0.5 दर्जन से ज्यादा सड़कें और पुलिया ध्वस्त हो चुकी है। मधेपुरा के इन इलाकों के लोग बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए रिंग बांध की मांग कर रहे हैं। केदारनाथ इलाके में आपदा के 15 दिन बाद भी जारी है शवों के मिलने का सिलसिला। केदारनाथ के रास्ते पर लिंचोली में 2 हफ्ते बाद मलबे से 3 शव निकाले गए। इस मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। इस काम में तेजी तब आई जब केदारनाथ रूट पर लिंचोली में पैदल मार्ग को दुरुस्त करने का काम चल रहा था और गुरुवार को मलबा हटाते समय मजदूरों को यहां पर कुछ शव दिखाई दिए। बात अधिकारियों तक पहुंचाई गई, उसके बाद SDRF की टीम यहां पहुंची, फिर सर्च अभियान चलाया गया। बड़े बड़े बोल्डरों के नीचे दबे शवों को बाहर निकाला गया। कुल 3 शव यहां से निकाले गए। इन शवों को रुद्रप्रयाग जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पुलिस की ओर से इन शवों की शिनाख्त करवाई जा रही है। केदारनाथ के रास्ते पर 31 जुलाई की रात को आपदा आई थी, उसके बाद से यहां से करीब 15,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2 हफ्ते बाद 3 शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।